बुरहानपुर जिले में बुधवार रात शहर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती डेंगू के मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को इसकी जानकारी मिलने के बाद विभाग ने आनन फानन में एक टीम को निम्बोला भेजकर गांव का सर्वे शुरू कराया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सैकड़ों लोग बीमार है, इसके बावजूद अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुँची है। हर घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार है, पीड़ित है। जनवरी से अभी तक 22 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 3 अक्टूबर के माह में ही 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नाम था उनका, वो टेंगो भैया और अटेक का बताया। कब भर्ती किया था और कब? परसों के दिन शाम में भर्ती किया था। रिपोर्ट में क्या क्या बताया था? रिपोर्ट में डेंगू बताया और बोले 2 बार झटका आ गया बोले उनके। मैं निम्बोला गांव से हूँ और हमारे यहाँ लगभग हर परिवार में जैसे 5 लोग हैं तो उसमें से 2 लोग तो बीमारी है, और लगभग मान लो कि 20% के आसपास आबादी इससे ग्रसित है बीमारी से। और ये जो भैया थे इनका डेंगू से पता चला है कि भाई डेंगू से इनकी मृत्यु हुई है, तो हो सकता है कि गांव में और बहुत सारे लोग डेंगू पॉजिटिव हो। कब से हैं ये स्थिति? ये तो लगभग 1 महीना हो गया चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम अब तक गांव में? तब तो मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता आए हो तो वो पता है। कितने लोग अभी बीमारी से ग्रसित होंगे? बीमारी से लगभग मान लो 20% के आसपास आंकड़ा पकड़ लें, क्योंकि हर परिवार में मिलेंगे आपको किसी से बात करना। गांव की कितनी आबादी है? गांव की 6000 के आसपास। क्या नाम आपका? दामोदर महाराज।